हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिम्बाब्वे टी20 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर टक्का सिंह का पेट्रियस वन और यहाँ पर यूपी सिंह की क्रिकेट क्लब के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियोस मिलने वाले हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड कप पूरा कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको CBFS T20 के वीडियो मिलेंगे। इसके साथ साथ देखो जिम्बाब्वे वुमेन्स T20 भी चल रही है, उसके मैच के भी वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच रात को 9:30 पर हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, न्यूट्रल और बैलेंस है, मतलब रन यहाँ पर ठीक ठाक बनते हैं, एवरेज यहाँ पर 130-140 के आसपास यहाँ पर आपको स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। चेजिंग में यहाँ पर ज़्यादातर एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस जीत के पहले चेज करना पसंद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम TPC 1 की, क्योंकि TPC 2 का मैच पहले था 5:30 था। 7 मैच खेली ये टीम, जहाँ से 5 मैच वो जीती है, सिर्फ 2 मैच आ रही है। ओपनिंग में कौन है, तो ओपनिंग में ऐसे रॉय काइया दिखेंगे आपको, जॉर्लॉन्ड गुम्बी के साथ ओपनिंग करवाते हुए। मतलब रॉय काइया काफ़ी अच्छा प्लेयर है, रॉय काइया, इनोसेंट काइया और एक और काइया है, तीनों भाई है, और तीनों भाई यहाँ पर जिम्बाब्वे की डोमेस्टिक मैचेस वगैरह खेलते हैं, जिसमें से इनोसेंट काइया यहाँ पर इंटरनेशनल में भी खेल चुके हैं। रॉय काया की बात करूँ तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेयर है और यहाँ पर इनको ओपनिंग करवाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अदर जो भी डोमेस्टिक मैचेस में देखा गया तो रॉय काया जो है वो मिडल्स में खेलते, लेकिन यहाँ पर ये ओपनिंग करवा रहे, जो कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है। एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक। गुम्बी विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे लिए डेफिनेटली अच्छी पिक है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ओवरऑल 14 मैच के अंदर 17 की एवरेज से 221 रन है। अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, यहाँ पर 3 मैच के रिकॉर्ड, इनकी ओवरऑल 7 मैचेस हो चुकी है, लेकिन ड्रीम इलेवन में आपको सारे के सारे प्लेयर्स के पॉइंट्स जो दिखेंगे वो जीरो दिखेंगे, क्योंकि ड्रीम इलेवन ने आज पहली बार मैच ऐड किया है। ये जो मैच है ये क्वालिफायर सेकंड मैच है, पहला मैच था वो क्वालिफायर 1 था, अब ये क्वालिफायर है और कल से शायद सेमीफाइनल या फिर क्वालिफायर 3 और 4 खेला जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर 5-6 मैचेस है जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मैचेस है, तीनों की तीनों। चमू चिबाबा जो कि अच्छा प्लेयर है, लास्ट मैच के अंदर 28 की ओवरऑल 15 मैच के अंदर करीब 25 के एवरेज से 268 रन है, राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेता है। इसके अलावा से टीनो टेंडे मुटुम्बुब्जी की बात करते हैं, जो कि 38 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर, लेकिन इसके पहले ठीक ठाक यहाँ पर 10 मैच के अंदर 12 के एवरेज से 107 रन है, ठीक ठाक है, अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा। इसके अलावा से कुंदिन ग्राम NQB रिस्की रहेंगे, देखो इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आप लोग चाहो तो रिस्क ले सकते हैं। बाकी हैमिल्टन मसाकर्जा ने काफ़ी नीचे खेल रहे और थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि अच्छा प्लेयर है, टॉप में खेलना चाहिए, यहाँ पर नीचे खेल रहे हैं। 33 रन किए थे पहली मैच के, मतलब मैंने क्योंकि मैंने यहाँ पर पिछली 3 मैच के रिकॉर्ड से लिखे हैं, क्योंकि भाई इतना भी वक्त नहीं था, मतलब 7-7-14 मैचेस ऐड करने के वक्त नहीं था, लेकिन पिछली 3 मैच से ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे। बाकी 7 मैच के करीब 31 के एवरेज से 154 रन इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर बनाए हैं, ये आपके लिए है परफेक्ट पिक, ध्यान में रखिएगा, हो सके तो ले लीजिएगा। काल मुंबई एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली लेके जाना है, इनको ड्रॉप नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ से तनाका चिवांगा दिखेंगे, जो कि यहाँ पर लगभग विकेट्स निकाल रहे हैं, तो एज अ प्लेयर ये भी एक इंपॉर्टेंट बनेंगे। इसके अलावा ऐसे प्रियलंका चेसा ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, देखो इसके पहले यहाँ पर 2 मैच के अंदर लगातार विकेट निकाली, इनको भी ध्यान में रखिएगा, हो सके तो लेके जाइएगा। इसके अलावा ऐसे तपिवा मुफुजा वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली लेके जाना है, हो सके तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे आपको त्रेवर मुटसम्बा दिखेंगे, जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर 5 विकेट निकाली थी, इसके पहले 7 मैच के अंदर 8 विकेट है, देखो इसी टूर्नामेंट के जो भी रिकॉर्ड है ये इसी टूर्नामेंट का है। लास्ट मैच के अंदर 5 विकेट निकाली, मतलब इससे पहले 6 मैच के अंदर इनकी 3 विकेट थी, तो मतलब ठीक ठाक है, अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा। राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है। स्टार्टिंग में आएंगे यहाँ पर टी चिवांगा के साथ सी मुम्बा, डेथ हो उसमें यहाँ पर टी मुत्सम्बा के साथ सी मुम्बा डेथ में डालेंगे। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा मैं आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करें हम लोग यहाँ से, देखो
कुछ बड़े नाम हैं यहाँ पर, सीनियर प्लेयर्स के नाम बताऊँ तो यहाँ पर ब्लेसिंग मुजराबानी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, और मतलब अच्छा गेंदबाज यहाँ पर और इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन ये खेला नहीं अभी तक। इसके अलावा यहाँ से आई थिंक अधिको मैंने यहाँ पर बताया ना इनोसेंट का ये शायद खेलेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग करवाएंगे, ध्यान में रखिएगा। वेलिंगटन मसाकाटा हो सकता है इस मैच के अंदर खेल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस रहेंगे। इसके अलावा से रिचार्ड नगरवा अगर खेलते तो आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर है जो कि मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया आपको। यूसीसी की बात करते हैं जो कि 7 मैच खेली, 4 जीती 3 हारी। ओपनिंग में यहाँ पर निक वेल्च और इनके साथ यहाँ पर तकुडवा नाशे कैटानो। अभी देखो दो नाम सेम है यहाँ पर, एक यहाँ पर तकुडवा नासे और ऐसे तड़ीवा नासे, कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग खास ध्यान में रखिएगा। कैटानो है और यहाँ पर मरुमानी है। कैटानो की बात करो तो कैटानो यहाँ से इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, पिछली 3 मैच के अंदर तो कुछ खास नहीं किया। बाकी नेच निक वेल्च वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्लेयर को बिल्कुल लेके जाना है। ये जो प्लेयर है ना यहाँ पर निक वेल्च, ये यहाँ पर जो सुपर स्मैश टी20 या जो इंग्लैंड में खेला जाता है ना सुपर स्मैश टी20, वहाँ पर ये खेलता है, वहाँ पर डोमेस्टिक में खेलता है बराबर, इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट है यहाँ पर एज अ प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पिक। इवन पहली बैटिंग आती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं हम लोग इनको। इसके अलावा से मरुमानी विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अगर कोई चॉइस ना मिले। अगर आप लोग दो विकेट कीपर को लेना चाहते हैं तभी लीजिएगा, बाकी मैं इनको एज अ प्लेयर यहाँ से वैसे ठीक ठाक पिछली दोनों मैच का रन जरूर कर रहे हैं। तफाटवा महाची पिछली दोनों मैच के अंदर लगभग 25 की एवरेज से 24-26 रन किए, ध्यान रखिएगा, हो सके तो ले लीजिएगा। बाकी 24-25 यहाँ से 24 और 26 तो 50 तो यहाँ हो गए, बाकी एक मैच के अंदर इन्होंने 9 रन किए, टोटल 3 मैच के अंदर 59 रन किए 3 मैच के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर, और ठीक ठाक है। इसके अलावा ऐसे आयशा चिवंडा जो कि 64 रन किए थे इन्होंने, इसके बाद एक विकेट निकाला, यहाँ पर 29 रन किए, इनको एज अ प्लेयर ऐसे लेके जाना है, जबरदस्त प्लेयर है। इसके अलावा ऐसे आपको दिखेंगे मकायो तरीरो मकाई हो, ओके जीएल में ट्राई करोगे। जॉर्ज मतंगा ओके इनको भी आप लोग जीएल में ट्राई करोगे, ये दोनों प्लेयर को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करेगा। बाकी हो सके तो ऐसे मतंगी का ऊपर लिस्ट ले सकते हैं, लेकिन 4 मैच के अंदर सिर्फ एक ही विकेट है, ये भी ध्यान में रखेगा। टकुंडा मनियामा एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 15 मैच के अंदर ओवरऑल 17 विकेट है, और पिछली 3 मैच की बात करो तो जहाँ पर 2 बार इन्होंने विकेट निकाली है। इसके लिए वैसे जेरेमिया मकानिया की बात करते हैं जो कि लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाली, ओवरऑल 20 मैच के अंदर 27 विकेट है, करीब 20 की एवरेज से यहाँ पर 252 रन है, ओवरऑल रिकॉर्ड है ये, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा से क्रिस एम पोफू, ये प्लेयर को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, ऐसे विकेट टेकर गेंदबाज है, हालांकि लास्ट मैच के अंदर विकेट ले चला है, लेकिन 2-3 विकेट कभी भी निकाल के दे देगा, ध्यान में रखिएगा इस प्लेयर को। बाकी ग्रिफॉल्ड मुजिया ओके इनको तो आप लोग इनको लेके जाने का लगभग कोई मतलब नहीं बनेगा, लास्ट मैच के अंदर बैटिंग नहीं है, और आई थिंक लगभग बैटिंग के आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ से 9वें नंबर तक तो इनकी बैटिंग आई है, इस टीम की बात करो तो फिर यहाँ पर इनकी बैटिंग कौन से नंबर पर आएगी। स्टार्टिंग में यहाँ पर पोफू और मटंगा आए थे, दे तो उसमें लास्ट मैच के अंदर गेंदबाजी हुई नहीं थी, आई थिंक 16 ओवर्स की गेंदबाजी हुई थी, लेकिन आ कौन सकता है, तो एक तो ऐसे क्रिस एम पोफू डालेंगे, लेकिन ये 16वीं ओवर्स डाल चुके थे तो शायद आखिरी ओवर्स नहीं बची इनके लिए। बाकी ऐसे मटंगा शायद यहाँ पर डेथ में आएंगे, तो मटंगा के ऊपर रिस्क ले सकते हो आप लोग यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ से आई थिंक वही चॉइस बनते हैं, और वही चॉइस बनते हैं। बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में दे दूंगा मैं आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। देखो इससे पहले एक मैच में यहाँ पर रायन बल खेले थे तो शायद ये खेलेंगे, लेकिन दो बड़े नाम यहाँ पर जिम्बाब्वे क्रिकेट के, एक यहाँ पर क्रेग इरविन और शेन विलियम्स, इन दोनों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों के दोनों प्लेयर नहीं खेलेंगे, हालांकि क्वार्टर फाइनल में अगर ऐड हो तो भाई ठीक बात है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक नहीं खेले हैं, तो अभी के लिए हम लोग इनको नहीं लेंगे। बाकी अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर गुम्बी को ले रहा हूँ, यहाँ से आप लोग मरुमानी को भी ले सकते हैं, दोनों का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो दोनों को चाहो तो दोनों को ले सकते हैं। बैटिंग सेक्शन के यहाँ तो मैंने हैमिल्टन मसाकाटा को लिए, आप लोग यहाँ से मसाकाटा की जगह पर किन को ले सकते हैं, तो यहाँ से मरुमानी को ले सकते हैं, क्योंकि आपको विकेट कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकता है। इसके अलावा से सी चिबाबा, एन वेल्च, जे मकन्या और ए चिबाबा हमारी चिबांडा हमारी टीम के अंदर आएंगी। आप देखो 97% सिलेक्शन है, अगर लाइनअप नहीं हुई तो हमारे लिए एक बड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि इरविन लगभग अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर वो अवेलेबल नहीं रहे, तो फिर इसके लिए मैं यहाँ से इनको नहीं ले रहा हूँ। बाकी इनोसेंट काया भी लास्ट मैच नहीं खेले थे, ये मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर सी मुम्बा और रॉय काया हमारी टीम के अंदर रहेंगे, यहाँ पर भी देखो आर बल लास्ट मैच नहीं खेले थे, ये मैच शायद खेल सकते हैं, बाकी सीन विलियम्स तो अवेलेबल मतलब ये टूर्नामेंट में खेले ही नहीं है, आज अगर प्रकट हो जाते तो फिर कोई बात नहीं यहाँ से, लेकिन लाइन अप इंपॉर्टेंस रहेंगे हमारे लिए जो भी है।
बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो यहाँ पर टी मुफुर्जा टी चिवांगा और सी एम पोफो हमारी टीम के अंदर रहेंगी। बाकी देखो मुजराबानी नहीं खेले थे लास्ट मैच, यहाँ पर जोंगवे नहीं खेले थे, वेलिंगटन मसाकर्जा नहीं खेले थे, या से नगारवा नहीं खेले थे। अगर इन चारों में से कोई भी एक भी प्लेयर खेलता तो हमारे लिए ऐसे प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा। टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी हमारी कि कप्तान रहेंगे हमारे ऐसे रॉय काइया और वाइस कैप्टन रहेंगे सी मुम्बा। इसके अलावा चॉइसेस मैंने सारी आपको डिस्कस कर दी है वीडियो के अंदर। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, इसमें कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे तो फाइनल टीम टेलीग्राम में मिलेगी आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।